वेलकम टू कुमार प्रिंटर। दोस्तों आज हम एक एप्सन इंकजेट प्रिंटर का, इसमें काफ़ी सारा मॉडल्स आता है, इसमें हम पेपर पिकअप की बात करेंगे जो कि वारंटी में कवर्ड नहीं होता है। पेपर पिकअप मतलब फोटो पेपर पिकअप की प्रॉब्लम जो कि हमेशा बार बार आती रहती है, और कंपनी वाले कहते हैं अगर प्रिंटर वारंटी में है कि भैया हम फोटो पेपर का गारंटी नहीं लेते हैं, फोटो पेपर पिकअप नहीं करेगा, नॉर्मल पेपर पिकअप करेगा, उसके लिए सर्विस देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप फोटो सिर्फ फोटो कॉपी अगर यूज़ कर मतलब फोटो पेपर अगर आप निकालते हैं तो उसके लिए क्या ट्रिक है जिससे आपका सारा फोटो पेपर पिकअप करेगा, एक साथ में चाहे 10 रखिए चाहे 20 रखिए, कभी भी पेपर पिकअप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं दिखाता हूँ कैसे हो सकता है, आप खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए कहीं रिपेयरिंग सेंटर पर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं वो कैसे होता है। प्रिंटर को बैक साइड में अपने सामने कर लीजिए बैक साइड का, और ये स्क्रू निकालना है। यहाँ से ऐसे ऊपर उठा लीजिए, ये स्क्रू निकालने के बाद ये वाला सेक्शन अनलॉक हो जाता है, फिर यहाँ से इसको ऐसे आगे प्रेस करना है, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका वेस्टेज वाला डब्बा है जहाँ पे सब इंक वेस्टेज वाली आती है। अब नीचे देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, दो स्प्रिंग्स है, ये वाला स्प्रिंग हमको ऐसे निकालना है, फिर ये रोलर निकलेगा, ये रोलर हमने नीचे पुल किया, ये देखिए बाहर आ गया। आप देखेंगे इसमें कि ये दोनों साइड में घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इसका मैंने ऑलरेडी वो काम कर दिया है जिसकी वजह से फोटो पेपर पिकअप कर रहा है। ये देखिए ये ओरिजिनल है, ये एक ही साइड में रोटेट होता है, सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रोटेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये लॉक है इसका, ये देखिए यहाँ पे कटिंग भी बना हुआ है कि किस एंगल में आपको बिठाना है। इसको थोड़ा सा प्रेस करके निकालिए, ये वाला जो है ये नीचे आना चाहिए, यहाँ पे जो कटा हुआ है इसको साइड में रख दीजिए, और ये जो लेफ्ट वाला इस एंगल है ये हमेशा लेफ्ट साइड में लगेगा, जो इसकी कटा हुआ है मतलब कि ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये हम लोग मेटल निकाल लेंगे बाहर, ये देखिए इसके अंदर जो स्प्रिंग है ये हमको निकालना है, यहाँ पे ऐसे इसको पकड़िए और इसको धीरे से ऐसे घुमा दीजिए, ये निकल गया। स्प्रिंग को साइड में फेंक दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर रोलर को अंदर डालिए इसके अंदर, जैसा कि मैंने बताया था जो कटा हुआ रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर लेंगे, ये जो कटा हुआ है इसके अंदर आना चाहिए, ये देखिए आ गया। ये देखिए ये भी दोनों साइड में घूमने लग गया है, बस सिंपल हो गया है। फिर ये रोलर को हम ऐसे ही बिठा देंगे, ये देखिए यहाँ पे दोनों लॉक है, ये वाला यहाँ पे, ये दोनों ऐसे जाएगा यहाँ पे अंदर, इसको अंदर ऐसे दबा देना है, बस ये फ्री हो गया। और फिर ये स्प्रिंग एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, बस हो गया। वापस से इसको बिठाने के लिए ऐसा हाथ में नीचे पकड़िए, ऐसा स्क्रू वाला सामने रहेगा, यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ पे पहले इसे दबाइए, ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए, और ये जो स्क्रू हमने निकाला था उसको यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए, बस हो गया। दोस्तों कीजिएगा ऐसे और हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको कुछ इससे बेनिफिट हुआ या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।